Hello friends, today we will discuss about the transport of gases or transport of gases में आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व देखेंगे, बोर्स इफेक्ट के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के बारे में बताऊंगा। हम लोगों ने गैसियस एक्सचेंज को देख लिया है कि कैसे गैसेस का एक्सचेंज है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल से टिश्यू में, टिश्यू से ब्लड वेसल में, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कि इन गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम कौन है, कौन है जो इसको कैरी करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपका ऑक्सीजन आपको डिफ्यूज हो गया, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में आ गई, तो ब्लड वेसल में ऑक्सीजन किसके द्वारा कैरी की जाएगी, कैसे वो कौन कौन से उसमें मेन माध्यम होंगे, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ऑक्सीजन आपकी आ गई है, अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय मीन्स ऑफ टू वे, दो वे हैं इसको ट्रांसपोर्ट करने का, जिसमें से 97% हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है। हीमोग्लोबिन इज द पिगमेंट ऑफ द ब्लड दैट गिव्स अ रेड कलर पिगमेंट। तो हीमोग्लोबिन के साथ 97% ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन जो भी आपका वहां पे डिफ्यूज हुआ है, उस टोटल ऑक्सीजन का 97% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है और रेस्ट 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो 97% हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा और 3% डिसॉल्व इन प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन इन ब्लड Hb4 फॉर्म में होता है, मतलब एक आयरन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। तो Hb4 फॉर्म में है तो Hb4 प्लस 4 ऑक्सीजन, यानी कि अगर कहा जाए कि एक हीमोग्लोबिन जब भी मॉलिक्यूल बोलेंगे तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का मतलब है Hb4। दैट Hb4 बाइंड विद द 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मतलब O2, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मतलब 4O2, यानी कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है एंड अल्टीमेटली इट फॉर्म्स Hb4O8 और अल्टीमेटली ये Hb4O8 बनाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का कितने ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करेगा, है ना, आपकी गैस है, गैस कितने ml गैस, तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन, 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है। नॉर्मल एडल्ट में या नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो है कितनी, तो आप बताते हो ना कि मेरे में 12 हीमोग्लोबिन है, फीमेल्स बोलती हैं, मेल कुछ मेल्स कहते हैं कि 16, तो इट वेरी फ्रॉम 13 to 16, फ्रॉम 12 to 14, तो हम लोग जनरली एक टर्म मान लेते हैं कि चलो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पर डेंसी लीटर ऑफ ब्लड होता है। ऑन एन एवरेज नॉर्मल कंडीशन में एक स्वस्थ मनुष्य का 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पर डेंसी लीटर ऑफ ब्लड होना चाहिए। तो एक, चूंकि 1 ग्राम कैरी करता है 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन और नॉर्मल एडल्ट में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पर डेंसी लीटर है, तो एक डेंसी लीटर ब्लड में 15 × 1 × 1.34 15 × 1.34 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 ml ऑफ ऑक्सीजन पर डेंसी लीटर ऑफ ब्लड। कुछ बुक में 19.8 लिखा है, कुछ में 20 point something लिखा हुआ है, तो ऑन एन अप्रोक्सीमेट मानते हैं कि 20 ml ऑक्सीजन एक डेंसी लीटर ब्लड में, यानी कि 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। ठीक है, अगर उसके पास 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है अगर 100 ml ऑफ ब्लड में या 1 डेंसी लीटर ऑफ ब्लड में, सॉरी ठीक है, हाँ, तो 1 डेंसी लीटर ऑफ ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन आपका होगा। ठीक है, तो
तो चलिए एक डेंसिलीटर ब्लड जब आपकी जा रही है, हम एक डेंसिलीटर की बात करते हैं, यहां पर कोई टिश्यू है, ये आर्टरी ये ब्लड लेके आ रही है 20 ml पर डेंसिलीटर के कंसंट्रेशन में, 20 ml पर डेंसिलीटर का कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का, जब ये वेन में जाती है और तो वेन का आप लोगे तो ये वेन में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है 15 ml पर डीएल, इन द नॉर्मल कंडीशन 5 ml ऑक्सीजन इज ट्रांसफर टू द टिश्यू, ओके, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में 5 ml ऑक्सीजन टिश्यूज को चली जाती है और वेन्स में 15 ml पर डीएल बचती है। दूसरी कंडीशन, व्हेन यू आर इन एक्सरसाइज कंडीशन लाइक रनिंग और रिग्रस एक्सरसाइज आप जब करते हो तो उस रिग्रस एक्सरसाइज के कंडीशन में ऑक्सीजन तो सेम आएगी आर्टरी के द्वारा 20 ml पर डे, बट हियर टिश्यू को 15 ml ट्रांसफर होगी क्योंकि टिश्यूज को हायर एनर्जी की जरूरत है, तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, कार्बोहाइड्रेट जब तक बर्न नहीं होगा तब तक वो एटीपी नहीं देगा, तो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज आपका कार्बोहाइड्रेट बर्न करता है और उसके लिए हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो एट द एक्सरसाइज 15 ml ऑफ ब्लड, 15 ml ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यू एंड ओनली 5 ml पर डीएल इन द वेन्स। यहाँ पे आपको रेड कलर जो दिख रहा है ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, तो आर्टरी शो कर रहा है और ब्लू कलर वेन को शो कर रहा है, यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है या डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है, तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपको ड्यूरिंग एक्सरसाइज 5 ml पर डीएल मिलेगा जबकि नॉर्मल कंडीशन में 15 ml पर डीएल मिलेगा, ओके, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड 20 ml पर डीएल कैरी करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज रिलेटेड टू इट्स पार्शियल प्रेशर। ब्लड में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करे इसके लिए उसका पार्शियल प्रेशर, उसका पार्शियल प्रेशर पे वो डिपेंड करता है कि ब्लड वेसल में उसका पार्शियल प्रेशर कितना है। तो आपने देखा कि जब हम लोग ऑक्सीजनेट कर रहे हैं ब्लड को तो उस समय हम लोग 95 उसका पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का जहां पे आप ऑक्सीजनेट करते हो, अदरवाइज वो 40 रहता है, ठीक है। तो पीछे आपने पीछे जरा देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में या प्रीवियस आपके आपकी बुक में भी आप ये लिखा हुआ है। तो बाइंडिंग डिपेंड करेगी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, मतलब कि जैसे जैसे ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा तो बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बाइंडिंग बढ़ेगी, और जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होने लगेगा तो बाइंडिंग लूज होने लगेगी या छूटने लगेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन इज डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आगे काम आएंगे, हीमोग्लोबिन ऑफ द एडल्ट इज कॉल्ड HbA, ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑफ द फीटस इज कॉल्ड और फीटल हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड HbF। एडल्ट हीमोग्लोबिन कंटेन्स 2α and 2β चेन, इट इज अ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हीमोग्लोबिन एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, चार पॉलीपेप्टाइड होते हैं 2α 2β, जबकि फीटल हीमोग्लोबिन भी चार पॉलीपेप्टाइड का बना होता है लेकिन यहाँ पे 2α और 2γ चेन होती है, बीटा चेन की जगह पर फीटल हीमोग्लोबिन में गामा चेन होती है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है या इसकी वजह से क्या चेंजेज आने वाले हैं ये हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं डिसोसिएशन कर्व के बारे में, HbOt डिसोसिएशन कर्व, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग जब होती है तो वो किस तरह का प्लॉट शो करता है, कैसा प्लॉट शो करता है। तो यहां पर हमने ये जो एक्स एक्सिस पर ले रखा है, एक्स एक्सिस पे है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ये है। तो यहां पर जीरो पार्शियल प्रेशर है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
तो हम लोगों ने यहां पर पार्शियल प्रेशर को 100 तक रखा हुआ है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर हम लोगों ने 100 तक रखा है, और यहां पर आपका ये 100 को शो कर रहा है। तो ये क्या है, परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन ओके कितना है। हीमोग्लोबिन जब फुली सेचुरेट हो जाएगा इट मींस 100% सेचुरेटेड। अगर आपका हीमोग्लोबिन 100% सेचुरेशन दे रहा है तो मतलब कि आपकी पूरी की पूरी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड हो चुकी है, ठीक है। तो हमको ये 100% सेचुरेशन अचीव कर रहा है, तो वो हम किस पार्शियल प्रेशर पे अचीव करते हैं, कितना पार्शियल प्रेशर हमको 100% सेचुरेशन देगा, ठीक है। तो ये बात है कि भाई पार्शियल प्रेशर, जैसे जैसे ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज करेगी। तो ये सेचुरेशन को शो करता है भाई कि हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, हम लोगों ने पहले भी पार्शियल प्रेशर के बारे में बात की। पार्शियल प्रेशर होता क्या है, अक्यूमुलेटिव प्रेशर होता है, क्यूमुलेटिव प्रेशर होता है। क्यूमुलेटिव प्रेशर इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस, जो भी गैसेस वहां पे हैं उनका पार्शियल प्रेशर मिलाकर। मतलब अगर 760 mmHg एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 21% है, तो 21 divided by 100 into 760 तो वो 159 आता है एनवायरमेंट में बाहर। तो उसी तरह से पार्शियल प्रेशर यहां पर ब्लड में, इसको थोड़ा समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, आप देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, जो लोग अगर यहां से शुरू कर रहे हैं उनके लिए, और जो लोग कंटिन्यूअली सब्सक्राइबर हैं और लाइन बाय लाइन वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप यहां पे देखिए कि हीमोग्लोबिन का 50% सेचुरेशन, हीमोग्लोबिन का 50% सेचुरेशन P25 पे मिल जाता है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ 25, ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर 25 शो कर रहा है, मतलब 25 mmHg पर, 25 का क्या है, 25 mmHg पर हीमोग्लोबिन 50% सेचुरेट हो जाती है, ठीक है। 50% हीमोग्लोबिन यहां पर सेचुरेट हो जा रही है। पार्शियल प्रेशर 50 पर, 50 mmHg पर लगभग 85% सेचुरेशन आ जाता है। पार्शियल प्रेशर जब आपका 50 mmHg होगा तो 85% सेचुरेशन आ जाता है। 95 mmHg पर, ये 95 को शो कर रहा है, 95 mmHg पर, ये 95 को शो कर रहा है, 95 mmHg पर आपको 100% सेचुरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिग्मोइड कर्व है, This one is a sigmoid curve. तो जब भी कोई आपसे पूछे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है, सिग्मोइड होता है, सिग्मोइड कर्व। तो ये यही शो कर रहा है कि भाई देखिए 25 mmHg पर 50%, 50 mmHg पर 85% और 95 mmHg पर 100% सेचुरेट हो जाएगा। तो अब आप इसको प्लॉट कर सकते हैं, यहां यहां यहां, तो हमने जब प्लॉट किया तो एक सिग्मोइड कर्व मिला। ये कर्व डिसोसिएट, ये जो डिसोसिएशन कर्व है ये आइदर राइट और लेफ्ट शिफ्ट होता है। जब ये राइट शिफ्ट होगा तो ये क्या शो करेगा, राइट शिफ्ट होने का मतलब है कि सेचुरेशन डाउन हो रही है, राइट शिफ्ट होने का मतलब है कि इस एमएमएचजी का भी सेचुरेशन डाउन हो गया, और लेफ्ट शो होने पर क्या होगा, सेचुरेशन इसने जल्दी अचीव कर लिया, यही तो शो करेगा। अगर डिसोसिएशन कर्व आपकी राइट शो कर रही है मतलब कि ये 100% सेचुरेशन अचीव नहीं कर रहा है, और यहां पर क्या होगा कि ये कम पार्शियल प्रेशर पर भी 100% अचीव कर रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन होगी जिसमें हमारा कर्व राइट साइड शिफ्ट होगा, जिसमें हमारा सेचुरेशन पूरा 100% नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये कौन कौन सी कंडीशन होगी। तो शिफ्टिंग ऑफ द कर्व टू द राइट साइड
कर्व का शिफ्टिंग राइट साइड होना बोर्स इफेक्ट कहलाता है। 1904 में बोर ने इसको डिस्कवर किया था, 1904 में बोर ने इसको डिस्कवर किया था और इस इफेक्ट को हम बोर्स इफेक्ट कहते हैं। उन्होंने बताया कि जो 50% सेचुरेशन है, 50% सेचुरेशन, ये अगर 50% सेचुरेशन की हम बात करें तो 50% सेचुरेशन देखिए कि 50% सेचुरेशन के लिए इसको क्या करना पड़ रहा है, हायर पार्शियल प्रेशर चाहिए, यानी कि 25 mmHg पर, जो कि नॉर्मली हो जाना चाहिए था 50% सेचुरेशन, वो 25 mmHg पर ना होकर मोर प्रेशर पे हो रहा है, ठीक है। तो सेचुरेशन 50% सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन टेक्स हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड बोर्स इफेक्ट। यही डिस्क्राइब किया गया, यही बताया गया। तो बोर्स इफेक्ट में डिसोसिएशन कर्व राइट हैंड साइड में शिफ्ट होती है। कंडीशन क्या क्या होगी, देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर देगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को डिसोसिएट करना शुरू करेगी, तो जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का डिसोसिएशन शुरू हो जाएगा तो सेचुरेशन ऑलरेडी कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब सेचुरेशन हीमोग्लोबिन का कम होगा तो कर्व राइट साइड शिफ्ट होगी। व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इज इंक्रीज, CO2 हीमोग्लोबिन से बाइंड करना शुरू करेगी और ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करेगी, तो उस कंडीशन में आपकी कर्व राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगी। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब इंक्रीज करेगा, जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, इट मींस कि पीएच आपका डिक्रीज करेगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब एसिडिटी इंक्रीज, CO2 के केस में भी क्या होगा, जब CO2 इंक्रीज करेगा तो एसिडिटी इंक्रीज, ब्लड में ब्लड एसिडिटी की तरफ जब भी मूव करेगा, ठीक है, ब्लड एसिडिक होना शुरू होगा, ब्लड में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अधिक होना शुरू करेगा, तो कर्व राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगी, ठीक है। तीसरी कंडीशन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है अप टू 43 डिग्री सेंटीग्रेड, भी कर्व राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगी, यानी कि उस समय आपका ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम हो रहा होगा। चौथी कंडीशन 2,3-DPG, 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट या 20-फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं। देखिए, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का इंटरमीडिएट है, और ये क्या करता है कि जब बनता है तो इसका कुछ कंसंट्रेशन जो है ब्लड में जाता है, ब्लड में ये हीमोग्लोबिन के साथ इसकी एफिनिटी है तो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना शुरू करता है। तो जब 2,3-DPG हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना शुरू करेगा तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग अफेक्ट करेगी, तो जब भी ऑक्सीजन की बाइंडिंग अफेक्ट करेगी तो कर्व राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेगा, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेज, जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो आपको कर्व लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में बोर्स इफेक्ट, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, टेम्परेचर का इंक्रीज, 2,3-DPG का इंक्रीज, ये सब आपको बोर्स इफेक्ट में कर्व को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। 2,3-DPG, 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट, आप 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाते हो, 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनाते हो, उसके बाद 2,3-20-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, जब आपका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है, तो 2,3-DPG बाइंड टू द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। एक्चुअली इसकी जो बाइंडिंग है 2,3-DPG की, वो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन से है, इसकी एफिनिटी बीटा चेन से होती है, ठीक है। 2,3-DPG की बाइंडिंग बीटा चेन से होती है, ये ध्यान में रखिएगा, अभी मैं आगे जो बताने वाला हूं। इन द केस ऑफ फीटल, फीटस के हीमोग्लोबिन में, मैंने यहां पे भी बताया कि फीटस के हीमोग्लोबिन में बीटा चेन नहीं है, ठीक है, फीटस के हीमोग्लोबिन में बीटा चेन नहीं है, फीटस के हीमोग्लोबिन में गामा चेन होती है, तो गामा चेन की कोई एफिनिटी 2,3-DPG के साथ नहीं है,
इसलिए फीटस हीमोग्लोबिन आपका सेचुरेशन कम पार्शियल प्रेशर पर भी अचीव कर लेता है। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहां पे एच डी ए वर्सेस एच डी एफ मतलब हीमोग्लोबिन एडल्ट वर्सेस हीमोग्लोबिन फीटस बनाया है। तो हीमोग्लोबिन एडल्ट तो यहां पर जाके 95 एमएम एचजी पर करेगा सेचुरेशन, जबकि एचबीएफ का सेचुरेशन ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को शो कर रहा है, एक्स एक्स जो आपकी एक्सिस है पार्शियल। तो एचबीएफ हमेशा लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे 100% सेचुरेशन अचीव कर लेगा। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं, समझना जरूरी। ये जो दूसरा केस मैंने बनाया है दैट इज एचबीए वर्सेस मायोग्लोबिन, ह्यूमन एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन और ह्यूमन के मायोग्लोबिन में, मायोग्लोबिन इज आल्सो कॉल्ड हीमोग्लोबिन ऑफ मसल्स, मसल के हीमोग्लोबिन को मायोग्लोबिन कहते हैं, बट द मायोग्लोबिन इज अ डाइमेरिक इन नेचर नॉट अ टेट्रामेरिक इन नेचर, मतलब कि इसमें दो ही चेन होती हैं और ये केवल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सेचुरेशन जल्दी हो जाता है, कम पार्शियल प्रेशर पे ही ये इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा होती है, तो ये जल्दी सेचुरेट हो जाता है। तो ये भी आपको क्या करेगा, कम पार्शियल प्रेशर पे सेचुरेट हो जाएगा। तो दिस वन इज सो मायोग्लोबिन, व्हाइल हीमोग्लोबिन का आपको यहां शो कर रहा है, हीमोग्लोबिन वाली ग्राफ आपको दिख रही है, ये हीमोग्लोबिन का है। तो हीमोग्लोबिन वर्सेस एचबीएफ आपकी समझ में आ गया होगा, हीमोग्लोबिन वर्सेस मायोग्लोबिन आपकी समझ में आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बोर्स इफेक्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, अपने लाइक्स तो जरूर दीजिए, लाइक्स आप कम से कम मेरी मेहनत का इतना फल तो आप दे सकते हैं, अपने लाइक्स जरूर दीजिए, कमेंट्स अगर कोई सजेशन है, अगर कोई क्वेरी है तो आप जरूर करिए। बाकी सर ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, सर वो चैप्टर पढ़ा दीजिए, मैं सीक्वेंस वाइज आगे चल रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रोज एक वीडियो लेक्चर डाल पाऊँ। तो आई हैव सम अदर वर्क्स आल्सो, ठीक है, तो साथ ही मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ये कमेंट्स नहीं कि सर आप प्लांट पढ़ाना शुरू करिए, सर आप जो है रिप्रोडक्शन पढ़ाना शुरू करिए, एक तरफ से मैं फिजियोलॉजी खत्म कर लूंगा, फिजियोलॉजी खत्म करने के बाद मैं दूसरे चैप्टर्स की तरफ मूव करूंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर योर पेशेंस।